जनपद जालौन में हुई मतगणना में तीनों विधानसभाओं में भाजपा का कमल खिला। काल्पी विधानसभा नरेंद्र सिंह जालौन अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को हराकर विजय हुए, तो वही माधवगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मूलचंद्र निरंजन बसपा प्रत्याशी गिरीश अवस्थी को हराकर विजय हुए। इस सीट पर कांटे का मुकाबला देखने को मिला। जनपद की उरई विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी गौरी शंकर वर्मा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी महेंद्र कठेरिया को बड़े अंतराल से हराकर विजय हुए। विजय प्रत्याशियों ने बताया कि जनपद में विकास का दौर शुरू हो चुका है। वास्तव में ये जीत जो हुई है निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मेहनत से, क्योंकि इतनी बड़ी जीत जहाँ अगर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की और समर्थकों की संख्या न लगी होती तो इतनी बड़ी जीत ये संभव नहीं थी। इसलिए सबसे पहले मैं जीत के प्रति सभी विधानसभा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं समर्थकों का अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरे जिले में भारी प्रचंड बहुमत के साथ विजय सीधी दिलाई। और भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास। विकास हमारी प्राथमिकता है और अपने माधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और जिले के विकास के लिए सदैव दिन रात निरंतर प्रयासरत रहूंगा। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में निश्चित रूप से आपको बहुत जल्दी ही क्षेत्र में विकास दिखने लगेगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो कुछ काम हुआ है, हो रहा है। जैसा कि जालौन जनपद से तीनों सीटें खाते में जाना चाह रही, कैसी खुशी की लहर आप लोगों में? कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है, कार्यकर्ताओं ने जीतो मेहनत करके रात दिन एक करके तीनों सीटों में विजय प्राप्त की है। और ये जीत से तय है कि आने वाले समय में 20 और 25 साल भाजपा की सरकार को कोई यहाँ से हटाने वाला नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार बनाना चाहती थी, वो अगर सरकार बनती है तो वो मुद्दे आपके पूरे होंगे? सबसे पहला मुद्दा है ओवरलोडिंग और गड्ढों में सड़क, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है यहाँ। सबसे पहले जनपद जालौन की सारी सड़कें सही होगी और गुंडा राज का तो समाप्त आज ही तो हो गया। देश में राम राज की स्थापना आज से ही हो गई। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी चेहरे की उम्मीद में चुनाव लड़ रही थी और भाजपा सरकार बना रही है, आप कैसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में संविधान है, संसदीय बोर्ड तय करता है। वैसे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को जिस तरीके से आगे किया गया है, हम लोगों की पहली पसंद केशव प्रसाद मौर्य हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ा गया है। पहले प्राथमिकता किसानों के लिए होगी, दूसरी प्राथमिकता होगी सड़कों, दुर्दशा है क्षेत्र में सड़कों की नहीं है, तीसरी प्राथमिकता होगी शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है, विद्यालय खुलियान का संकल्प लेके चौथी।